आरएसएटी एग्जाम जो 6 दिसंबर को होगा या नहीं होगा, कितने नंबर का पेपर होगा दोस्तों, और कितने क्वेश्चन उसमें होंगे, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, एडमिट कार्ड कहां से मिलेगा, आपके इंटरनल असाइनमेंट में कितने नंबर भेजे गए हैं, आपका एग्जाम है या नहीं, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, एग्जाम 6 दिसंबर को एग्जाम है या नहीं, तो इसका आंसर है बिल्कुल एग्जाम है, 6 दिसंबर को आरएससीईआरटी का एग्जाम है दोस्तों। कितने नंबर का पेपर होगा दोस्तों, 70 नंबर का कुल पेपर होगा, यहाँ पे 70 नंबर, कुल 35 क्वेश्चन होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 35 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दो नंबर का होगा, एक क्वेश्चन दो नंबर का, 35 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 70 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए दोस्तों, पास होने के लिए जो नंबर चाहिए आप लोगों को, वो वहां पे 70 में से आपको 28 नंबर लाने होंगे। अच्छा सर, पर्सन कितने हुए, 14 क्वेश्चन हो गए, 35 में से 14 क्वेश्चन सही होनी चाहिए, 70 में से 28 नंबर ऑटोमेटिक ही आपके आ जाएंगे दोस्तों। देखो मैं बता देता हूं आपको नॉलेज के लिए, इंटरनल असाइनमेंट 30 नंबर का होता है और VMOU असाइनमेंट 70 नंबर का होता है, इस प्रकार से टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है दोस्तों। मिनिमम इंटरनल असाइनमेंट में 12 नंबर आने चाहिए और VMOU असाइनमेंट में 28 नंबर आने चाहिए। यहां पे आपके असाइनमेंट लगते हैं, जो आपके एग्जाम जहां से आपने फॉरम भरा है वहीं से आपका इंटरनल असाइनमेंट लगता है दोस्तों। VMOU का एग्जाम आपका सेंटर आता है, वहां पे आपका लगता है, तो 14 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, 14 में आपके 28 नंबर बन जाते हैं, क्योंकि 35 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन दो नंबर का होता है दोस्तों। बात आती है आगे अपने यहाँ पे कि एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड होगा। देखिए दोस्तों, आपको एडमिट कार्ड जहां से आपने फॉर्म भरा है वहीं से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं कि आप वहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। आप अपना समय बर्बाद ना करें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के चक्रों में, जहां से आपने फॉर्म भरा है वहीं जाकर आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हो। इसके बाद में आता है आपके इंटरनल असाइनमेंट में कितने नंबर गए, इंटरनल असाइनमेंट कौन सा, जो आपके सेंटर से आपका लगा था उसमें कितने नंबर आपको मिले हैं कुल, ठीक है, तो मिनिमम कितने आने चाहिए, 12, ठीक है। अब बात आती है कि कितने नंबर आपको मिले, तो ये प्रोसेस अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक देके रखेंगे, जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे, इस पेज के ऊपर आप आ जाते हो। जैसे आप माई आरकेसीएल वेब पोर्टल के ऊपर क्लिक करते हो दोस्तों, आपके पास कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाती है दोस्तों। ये प्रोसेस आपके इंटरनल असाइनमेंट नंबर देख सकते हो, आप सारे डिटेल देख सकते हो। यहां से दोस्तों आप लॉगिन एज के ऊपर क्लिक करके लर्नर के ऊपर क्लिक कीजिए, क्योंकि आप एक लर्नर हो, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ लर्नर कोड डालना पड़ेगा और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको एक ओटीपी मिलता है, उस ओटीपी को यहाँ एंटर करके आपको साइन अप हो जाना है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आप साइन इन होते हो, उसके बाद में आपको अपने इंटरनल असाइनमेंट के नंबर चेक करने के लिए आपको एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो देखो, आप यहां से री एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो, लर्नर के ऊपर आप क्लिक करते हो दोस्तों, तो यहां से आप डुप्लीकेट फॉर्म वगैरह भर सकते हो। फाइनेंस के ऊपर क्लिक करके आप यहां से एग्जाम फीस भी आप डुप्लीकेट की जमा कर सकते हो। अब बात आती है यहां पे कि आपके यहां से इंटरनल असाइनमेंट में कितने नंबर गए हैं दोस्तों, तो उनको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां से लर्नर के ऊपर क्लिक करना है। लर्नर डिटेल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो दोस्त, आपको स्क्रीन को नीचे की साइड स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद में आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका लर्नर स्टार्टिंग डेट कितनी है, 8 दिसंबर 2020 है, सॉरी 2019 है। यहाँ पे आपको फाइनल स्कोर कितना मिला है, 28.80 अंक यहाँ पे आपको मिले हैं, टोटल स्कोर 96 है। जैसे ही यहाँ पे आपके और सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल हो जाती है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इंटरनल असाइनमेंट भी चेक कर सकते हो कि आपके इंटरनल असाइनमेंट में कितने नंबर प्राप्त
हुए हैं दोस्तों। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपका एग्जाम है या नहीं है, तो मैं बता दूं आपको नॉलेज के लिए कि अगर आपका एग्जाम है तो लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास एक मैसेज, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज रिसीव्ड हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि आपका लर्नर कोड ये है और आपका एग्जाम इतनी तारीख को है, मतलब 6 दिसंबर 2020 को है, और रोल नंबर भी आया है और एग्जाम कहाँ है वो भी आया है, उस सेंटर कोड भी आया है, पूरा विवरण आपके पास मैसेज के द्वारा मिल गया होगा। और नहीं मिला है तो आप अपने जो आरकेसीएल सेंटर है जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया था वहां जाके आप संपर्क कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये पता लगाना है कि आपका एग्जाम है या नहीं है, तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि दिसंबर 2019 तक चाहे वो फ्री वाला बैच हो चाहे वुमेन वाला बैच हो, सबके एग्जाम है। दिसंबर 2019 तक अगर आपका फॉर्म भरा हुआ है तो आपका एग्जाम 100% है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर।